तो गाइज अभी का टाइम हो रहा है 7:30 और आज है शरद पूर्णिमा और अभी आप चांद देख सकते हैं एकदम बिल्कुल राउंड एकदम गोल हो चुके हैं और आज है शरद पूर्णिमा। आज ऐसा माना जाता है कि खीर बना के आप बाहर रख सकते हैं यानी छत पे और उस खीर को आप सुबह खाएंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। यानी उसमें लोग बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है खीर में। अब जो भी हो मुझे पता नहीं मगर हम इतना सुने हैं तो वो चीज़ करना पड़ता है हम लोग को भी। तो हमने अभी खीर बना के रख दिया है बाहर और आज ऐसा भी माना जाता है कि कुछ देर बाहर बैठना चाहिए मतलब घर से निकल के यानी चांद के प्रकाश में थोड़ा सा टाइम वेस्ट। और गाइज अभी शाम का पूजा कंप्लीट हो चुका है हमारे घर में आप देख सकते हैं और इधर लाइट ऑफ हो चुका है अभी मंदिर का लाइट जल रहा है। तो अभी हम चलते हैं किचन में और जो भी खाना बनाना होता है फास्ट खाना बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे सुबह। तब तक के लिए पानी गिर रहा है जल्दी करो जल्दी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं आप सभी का। और अभी का टाइम हो रहा है 3:02 तो ब्लॉग को इस टाइम से स्टार्ट करते हैं बिकॉज सुबह से काम रहता है तो ब्लॉग को अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था मगर आपको फुल वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए कंटिन्यू। और गाइस एक बहुत बड़ा बैड न्यूज है क्योंकि मेरा जो इंस्टा आईडी था वो फ्रीज हो चुका है और फ्रीज का मतलब ये होता है कि जब हमने स्टोरी और रील्स और पोस्ट नहीं डाला कुछ दिन से तो इंस्टा आईडी फ्रीज हो जाता है यानी कि इंस्टाग्राम किसी के पास पोस्ट नहीं भेजता है और ना ही उसमें रीच बढ़ते हैं ना ही फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना ही लाइक्स बढ़ता है। तो ये दिक्कत हो रहा है अभी हमारे साथ। तो अभी आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए rekha.2233 पर जाके फॉलो कीजिए मुझे और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइज ये है ओल और गुजरात में इसको सूरन बोलते हैं और इसको अभी मम्मी छिलका उतार रही है आप देख सकते हैं और इसको हम लोग को सब्ज़ी बनाना है। इसको सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग को नारियल की ज़रूरत है तो नारियल और ओल से सब्ज़ी बनता है बहुत टेस्टी सब्ज़ी होता है। तो वही हम इसका छिलका उतार रहे हैं नारियल का और सब्ज़ी बनाएंगे अभी।